कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पंजाब के समराला में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की पहली कन्वेंशन के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। वहीं इस दौरान अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आप भी सुनिए इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं की है। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापिस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहा है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसिल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है, ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीढ़ की हड्डी थे और उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकों के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे कि एक तरीके से किसानों को खत्म करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले, ये कॉरपोरेट अदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे। तो ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब तक ये रद्द नहीं होगा या इन्हों नहीं करेंगे, आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेंगी, तब इसको निकाल लेंगे, ये 3 कानून को रद्द कर देंगे। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी का, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या इसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? और बहुत से लोग किसानों के नाम पे आते हैं, धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वोटों के लिए अपनी बात कहते हैं। भाजपा सरकार किसानों को एक तरफ बर्बाद की और उसके बाद में जवानों को भी बर्बाद की और उन्होंने नया स्कीम लाया। क्या स्कीम लाया? वो हमारे
चार साल का स्कीम है ना भाई, अग्निवीर का स्कीम लाया चार साल के लिए, और उसके बाद चार साल के बाद क्या करना, कहां जाना, अपनी जवानी इसमें खोते हैं, अपनी जवानी इसमें लगाते हैं चार साल में, तो उसके बाद अग्निवीर खत्म। और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया, 30% जगह डिफेंस में खाली है, 30% पैसा भी उन्होंने कम किया है। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप अग्निवीर चाहते हो, क्या आप फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहती है, ये आप बताइए, क्या करना चाहते हो, फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहते हो ना, तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ये जरूरी है। इसीलिए मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि मोदी जी आज जो भी कुछ कर रहे हैं किसान और जवानों के खिलाफ कर रहे हैं भाई, इनके लोग किसानों के नाम पे बजट रखे, लेकिन वो बजट खर्च नहीं हुआ, 1,00,000 रुपए वो बगैर खर्चे से वो लैप्स हो गए, वापिस ले लिए 1,00,000 करोड़। तो सोचिए कि मोदी जी किसानों के हित में काम करते हैं या सबको धोखा दे रहे हैं, आप सोचिए। ये आंकड़े मेरे नहीं, ये आंकड़े उन्होंने जो पार्लियामेंट में रखा है, हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस, हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चंस, इस प्रश्न में जो उत्तर मिलते हैं उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। ये सब हमारे लीडर जानते हैं कि इतना बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है। भाइयों, आजादी के बाद पहली बार हर किसान पर 25,000 प्रति हेक्टर को टैक्स लगाया है, वो आपको मालूम नहीं होता ये लगाया है। पीएम फसल योजना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को देकर उन्होंने 2026 से लेकर 2022 तक उन्होंने 40 करोड़ कमाया है। 40 करोड़ ये किनके पैसे हैं? ये किसानों के पैसे हैं, मोदी जी के नहीं या उनके खजाने से आए सो पैसा नहीं है, ये पैसा किसका है? एक किसानों का है। और हम हमेशा लड़ते रहे, पंडित नेहरू जी किसानों के लिए भाखड़ा नांगल बनाया, बड़े बड़े बांध बनाए, हीराकुंड जैसे योजना बनाए, कर्नाटक में आलमट्टी जैसा बनाए, ऐसे बहुत बड़े बांध बनाकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए पानी देने का काम किया। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रोज उठ के गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हैं, तो ये मोदी खुद तो काम नहीं करता या इनके लोग देश के लिए कुछ नहीं किए? ये तो ब्रिटिश के जमाने में बीजेपी और आरएसएस के लोग ब्रिटिश का काम करते थे, ब्रिटिश का एजेंट थे, और उन्होंने खुला कहा
उनके लीडरों ने बीजेपी जनसंघ जो पहले थी उन्होंने खुला कहा तुम जाओ ब्रिटिशर की मदद करो, फौज में भर्ती हो जाओ और जा कहीं तुमको नौकरी ब्रिटिश सरकार में मिलती है उसमें जाके तुम काम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।